शनिवार को राजभवन नैनीताल में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से जीओसी उत्तर भारत लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच अग्निपथ योजना समेत सेना से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत हुई। वहीं राज्यपाल ने कहा कि ये योजना युवाओं के लिए अच्छे अवसर पैदा करेगी। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं के सेना में आने से 4 साल की ट्रेनिंग के बाद उनकी सोच, विचार और धारणा में एक देश प्रेम का जज्बा और जुनून पैदा करेगी। वहीं 25% युवा फौज में आकर देश की सुरक्षा में अपना योगदान देंगे। शेष 75% युवा राष्ट्र की मुख्य धारा में अपने कौशल के बल पर कार्य करेंगे। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि कोरोना की वजह से 2 साल तक सेना भर्ती ना होने के कारण आयु सीमा में रियायत देने का निर्णय सराहनीय है। वहीं अग्निपथ योजना में सरकार द्वारा सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऊंचे दर्जे पर ले जाएगी।